नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका एग्रोजेटिस प्रोग्राम पे स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं भैंस की एक ऐसी नस्ल के बारे में जिसके दूध के अंदर अन्य भैंसों की तुलना में वसा की मात्रा है वो बहुत अधिक पाई जाती है या लगभग दुगनी या दुगनी से ज्यादा पाई जाती है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक है वो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त हो सके। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह से नई नई जानकारी प्राप्त हो सके और खेती में आपकी सहायता हो सके। तो किसान साथियों, आज हम भैंस की जिस नस्ल के बारे में बात करने वाले हैं वह है भैंस की भदावरी नस्ल। हमारे देश में भैंसों की लगभग 23 नस्लें हैं जिनमें से 12 नस्लों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं नस्ल पंजीकरण समिति द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और भदावरी भी उनमें से एक महत्वपूर्ण नस्ल है जो दूध में अत्यधिक वसा प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है या दूध के अंदर अत्यधिक मात्रा में खीर पाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। भदावरी भैंस के दूध में है वो 8 से 10% तक औसत वसा पाई जाती है और 13 से 14% तक है वो अधिकतम वसा रिकॉर्ड की गई है। यदि हम बात करें भदावरी भैंस की पहचान और विशेषताओं के बारे में तो इस नस्ल की भैंस का सारे का आकार है वो मध्यम आकार का होता है और इसके यदि हम शरीर के रंग की बात करें तो वह तांबिया या तांबे के समान होता है और शरीर पर बाल है वो बहुत ही कम होते हैं। टांगे है वो छोटी होती है और मजबूत भी होती है। घुटने से नीचे का हिस्सा है वो हल्के पीले सफ़ेद रंग का होता है और सिर के अगले हिस्से पर आँखों के ऊपर वाला भाग सफ़ेद लिए होता है और गर्दन के निचले भाग पर दो सफेद धारियां होती है जिन्हें कंठमाला या जनेऊ कहते हैं और ऐन का रंग है वो गुलाबी होता है। सींग है वो तलवार के आकार के होते हैं या हंसिए के आकार के पीछे की तरफ है वो मुड़े हुए होते हैं। इस नस्ल के वयस्क पशुओं का औसतन भार है वो 300 से 400 किलोग्राम होता है और छोटे आकार या कम भार की वजह से इनके आहार आवश्यकता है वो अन्य भैंसों की तुलना में बहुत ही कम है जिससे इसे कम संसाधनों में गरीब किसान पशुपालकों द्वारा भी आसानी से पाला जा सकता है। इस नस्ल के पशु है वो कठिन परिस्थितियों में भी रहने की क्षमता रखते हैं तथा अति गर्म जलवायु में आराम से रह सकते हैं। वो दूध में अत्यधिक वसा, मध्यम आकार और जो भी मिले उसे खाकर अपना गुजारा कर लेने के कारण इसकी खाद परिवर्तन क्षमता है वो अन्य भैंसों की तुलना में वो बहुत अधिक है और इस नस्ल के पशु कई बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी भी होते हैं और बच्चों की मृत्यु दर है वो भैंसों की अन्य नस्लों की तुलना में वो बहुत कम है। 5% तक के ही इसके अंदर बच्चों की मृत्यु दर है वो पाई जाती है। अब यदि हम बात करें भदावरी भैंस के प्राप्ति स्थल के बारे में तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इटावा, आगरा, भिंड, मुरैन तथा ग्वालियर जनपद में कुछ हिंसों को मिलाकर एक छोटा सा क्षेत्र होता जिसे भदावरा कहते थे। भैंस की यह नस्ल चूंकि भदावरा क्षेत्र से विकसित हुई है इसलिए इसका नाम है वो भदावरी पड़ा और वर्तमान में इस नस्ल की भैंस आगरा की बाह्य तहसील, भिंड के भिंड तथा अटेर तहसील और इटावा जालौन जिलों में यमुना तथा चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में है वो पाई जाती है। यदि हम बात करें भदावरी भैंस के उत्पादन स्तर के बारे में तो भदावरी मुरा भैंसों की तुलना में दूध तो थोड़ा कम देती है लेकिन दूध में वसा है वो अधिक प्रतिशत या अधिक पाई जाती है और विषम परिस्थितियों में है वो रहने की क्षमता है वो इसकी बहुत ही अच्छी है और बच्चों में कम मृत्यु दर और कम आहार की आवश्यकता के कारण यह नस्ल है वो किसानों में काफ़ी लोकप्रिय है। यदि अब बात करें हम इसके दूध उत्पादन के बारे में तो प्रतिदिन इसका दूध उत्पादन है वो है 8 से 10 लीटर और प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन है वह है 1600 लीटर और यदि हम बात करें ब्यात की औसत अवधि के बारे में तो 290 दिन है यानी दूध देने की अवधि 290 दिन है। यदि हम बात करें दो ब्यातों के अंतर के बारे में तो 475 दिन है वो इसके दो ब्यातों का अंतर है और पहले ब्यात के समय औसत उम्र की बात करें तो वह है 47 महीने। इन सभी बातों से यह स्पष्ट है कि घी एवं दुग्ध उत्पादन हेतु भदावरी एक बहुत ही उम्दा नस्ल की भैंस है और इस नस्ल की भैंसों को दूरस्थ क्षेत्रों में जहां आगमन के साधन कम है, दूध बेचने या सुरक्षित रखने की सुविधाएं नहीं है, आराम से पाला जा सकता है और गांवों में दूध बेचने की सुविधाएं न होने पर दूध से घी निकालकर महीनों में एक या दो बार शहर में बेचा जा सकता है और घी एक उत्पाद है जिसको बिना खराब हुए वर्षों तक हम रख सकते हैं और आज जब शुद्ध देसी घी के दाम आसमान छू रहे हैं तब किसान भाई घी बेचकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो इस तरह से आप भदावरी भैंस का पालन करके अच्छा घी उत्पादन करके अच्छे रुपए कमा सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।